जिस राम मंदिर के सहारे बीजेपी सियासी रोटियां सेकती आई है, अब उसी को लेकर पार्टी खुद ही उलझ गई है। एक तरफ तो यूपी के डिप्टी सीएम कहते हैं कि सरकार अभी मंदिर का निर्माण नहीं करवा सकती, वहीं अब सीएम आदित्यनाथ योगी का बयान आया है जिसमें उन्होंने इशारों इशारों में मंदिर निर्माण को लेकर संकेत दिए हैं, जिस पर सियासी घमासान आए हैं। माना जा रहा है कि योगी का यह बयान साधु संतों को साधने के लिए है। राम मंदिर पर जारी सियासी घमासान के बीच जैसे ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में अभी हम मंदिर नहीं बनवा सकते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही आगे कदम बढ़ाया जाएगा, वैसे ही राम मंदिर के समर्थकों के सुर मुखर हो गए। साधु संत समाज ने तो ये ऐलान तक कर दिया कि वो सरकार के अध्यादेश के बिना भी राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करेंगे, दिसंबर में इसका कार्य शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने तो यह तक कह दिया कि मंदिर निर्माण मेरा सपना है, इसके लिए जो पहल करनी होगी मैं करूंगी। चौतरफा हो रही आलोचनाओं के बीच अब यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी का एक और बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने राम मंदिर को लेकर गोलमोल जवाब देते हुए बड़े संकेत दिए। उन्होंने कहा कि इस बार एक दिया भगवान राम के नाम जलाइए, वहां काम जल्द ही शुरू होगा, हमें दिवाली के बाद इसे करना है। अब माना जा रहा है कि साधु संतों के मुखर सुरों को शांत कराने के लिए ही योगी ने यह बयान दिया है। वैसे आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि वो इस बार दिवाली पर अयोध्या में खुशखबरी लेकर जाने वाले हैं, जिसके बाद राजनीति गलियारों में खलबली मच गई थी कि आखिर योगी क्या लेकर जाने वाले हैं। वह इन सबके बीच उनका ये बयान सामने आया है जिसने फिर से हलचल बढ़ा दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।